नमस्कार साथियों, ऐसे सेक्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने इसका फर्स्ट लेक्चर में इसका बेसिक कंप्लीट किया था, अब इसके आगे इसके टेंथ तक हमने क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए थे। कौन से एक्सरसाइज के? एक्सरसाइज 6.1 की, ठीक है। अगर आपने इसका बेसिक नहीं देखा तो इसका बेसिक का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बेसिक आप इसका देखोगे तो आपके सारे डाउट्स कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, प्रश्नावली एक्सरसाइज आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, तो अब इसके आगे वाले हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, टेंथ तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 11 पे डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बतानी है, मतलब x वाई साहब बताने, x वाई साहब कितने हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ओके, वो भी पता चल जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन है फर्स्ट इसका, इसके तीन पार्ट हैं। पहले पार्ट पे बात करते हैं, पहला भाग क्या कह रहा है फर्स्ट वाला। cos x, cos 60, cos 30 डिग्री, sin 30, 60, sin 30 डिग्री। देखो एक चीज़ विशेष करके यहाँ पता करना, इनके बीच कुछ भी नहीं है, तो बच्चे यहाँ डाउट हो जाता है, बच्चों को यहाँ प्लस आएगा, माइनस आएगा, इनटू आएगा, डिवाइड आएगा, तो इनके बीच में कुछ नहीं है, तो इनटू में होंगे ये दोनों, ठीक है। cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री दोनों इनटू में, ये विशेष करके पता रखना। यहाँ प्लस दे रखा है, ये दोनों इनटू में, ठीक है, मल्टीप्लाई में होंगे, ये विशेष करके पता रखना। अब देखो हमें सारणी याद है, मान रखेंगे, प्लस माइनस करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो क्वेश्चन, cos x का, cos x आ गया इक्वल टू का, इक्वल टू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री पूछे तो sin 30 का बता दो, ट्रिक बता रखी मैंने आपको बेसिक में। sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री होता है 1/2, मैंने अभी आपको बताया ये किस में होंगे, इनटू में, ठीक है, मल्टीप्लाई में होंगे, गुणा में होंगे। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होगा, cos 30 डिग्री पता है sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री √3/2 हो जाएगा हमारे पास, फिर प्लस का प्लस, sin 60 डिग्री वही √3/2, sin 60 होता है √3/2, ये इनटू sin 30, sin 30 होता है 1/2, हाफ होता है 1/2, लिख दिया हमने। वापस वही cos x का, cos x ये भाई साहब वापस वैसे आ जाएंगे जैसे के जैसे, इनके मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इनको प्लस कर देंगे, सिंपल कंसेप्ट है। 1 को √3 से किया, √3, 2 2 जा 4, प्लस का प्लस, √3 × 1, तो √3 आ गया, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। देखो यहाँ भी √3/4, यहाँ भी √3/4, 1 और 1 कितने होते हैं 2, 2 टाइम आ रहे हैं ये, √3/4, √3/4, तो 1 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो 2 कर देता हूँ मैं इसको, ये हो जाएगा 2√3/4, ठीक है। फिर भी आपको अगर और ज़्यादा क्लियर समझना है, देखो इसका एलसीएम लिया तो 4 का 4 आया, ये भी √3, ये भी √3, तो √3, ये भी √3, ये देख लो आप, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो कितना हो गया 2√3/4, ये आ गया हमारे पास। देखो ये आ रहे हैं, चाहो तो डायरेक्ट कर दो, चाहो तो इसको एक्सप्लेन करके कर दो। ओके, दोनों करेक्ट हैं, दोनों वही आएगा 2√3/4। अब 2√3/4 में 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 के टेबल से 4 कट गया 2 टाइम, बचा है क्या हमारे पास √3/2, ये बचा। यहाँ cos x था, तो cos x का cos x लिख देते हैं। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास, cos में आ रहा है, ठीक है, हमें x बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो cos के अंदर आ रहा है, cos के अंदर √3/2 किसका मान होता है, सारणी के अंदर cos में √3/2 किसका मान होगा, sin 30 का, sin 30 डिग्री होगा, तो लिख देते हैं cos x इक्वल टू cos 60 डिग्री। क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है सारणी आपको मेरे हिसाब से याद होनी चाहिए, cos 60 डिग्री होता है, सॉरी 30 डिग्री, √3/2 पूछ रहे हैं, तो sin 60 होता है, sin 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री होगा √3/2, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ देखो, यहाँ लिख दिया cos √3/2 की जगह हमने क्या लिख दिया, cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ देखो इधर भी cos है, इधर भी cos, cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अच्छा क्या x इक्वल टू 30 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 30। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, कुछ नहीं किया क्वेश्चन में, x का मान के याद करना है, क्वेश्चन कह रहे हैं हमने cos 60, cos 30, sin 60, sin 30, इन दोनों सारों के मान रख दिए, इन दोनों को इंटू किया, इन दोनों को इंटू किया, इन दोनों को प्लस किया, 1 1 2 हो गई, 1 और 1 2,
फिर टू से फोर कट गया, टू टू जा फोर, रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू मान होता है सारणी के अंदर हमारे पास इसका कॉस 30 का, कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री होता है, तो हमने इसके क्या लिख दिया, कॉस 30 डिग्री लिख दिया 30, कॉस से कॉस भाई साहब चले गए, भाई यहाँ भी कॉस, तो कॉस से कॉस हट गए, बच्चा क्या एक्स और 30, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, एक्स की वैल्यू निकालनी थी और सारणी पे बेस्ड क्वेश्चन था। ओके तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट किया है, इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। ओके देखो उसका अब आता है सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा भाग, दूसरा भाग पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है साइन टू एक्स, साइन टू एक्स इक्वल टू, साइन टू एक्स इक्वल टू 60 डिग्री साइन कॉस, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, यही दे रखा है हमें, ये दोनों इंटू में, उसके बाद माइनस कॉस 60 डिग्री, उसके बाद साइन 30 डिग्री, ये हमारे पास इनटू में साइन 30 डिग्री, यही है क्वेश्चन। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में ये माइनस का दे रखा है, तो माइनस का नहीं है, ये इनटू में, तो ये भी इनटू में होगा, क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग हो सकता है, तो क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिए, तो यहाँ भी इनटू है, तो यहाँ भी इनटू आएगा। ओके अब इसका हम कर देते हैं उसी तरीके से, कुछ नहीं करना, मान आपको सारणी याद है, सारणी के मान रखे, ये इनटू में ये भी इनटू में, इनटू कर देंगे फिर इनका माइनस कर देंगे उसी तरीके से। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, साइन 2x का, साइन 2x लिख दिया हमने, उसके बाद साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होता है 60, साइन 60 होता है रूट थ्री बाई टू, ये इनटू कॉस 30, कॉस 30 पूछा है तो साइन 60 का बताएंगे, साइन 60 कितना होता है रूट थ्री बाई टू, तो ये भी रूट थ्री बाई टू हो जाएगा, माइनस का भाई साहब वापिस माइनस आ जाएंगे जैसा का जैसा, कॉस 60, कॉस 60 का कितना होगा साइन 30 का बता देंगे, साइन 30 कितना होता है 1/2, और साइन 30 कितना होगा 1/2, देखो उल्टे होते हैं, साइन 30 डिग्री आपको याद 1/2, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, साइन किसका 30 किसका, तो उल्टा होता है 60 का, तो साइन 30 1/2 है, तो कॉस 60 भी कितना होगा 1/2, फर्स्ट लेक्चर में ही बता रखा है मैंने आपको ट्रिक्स। उसके बाद देखो आप साइन 2x का 2x, उसके बाद देखो इन मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, रूट थ्री, रूट थ्री कितना हो जाएगा 3, 2 2 जा हो गया 4, 4 हो गया, इसी तरीके से 1 इंटू 1, 1 2 2 जा 4, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद साइन 2x इक्वल टू, ये सेम है तो ऊपर वाले भी सेम आएंगे, ये 4 का 4, जब ये सेम आ गए तो ये वैसा भी सेम आएंगे ऊपर वाले, तो इसी तरीके से 3-1 तो ये हो जाएगा 3-1, 3-1 करेंगे तो कितना आएगा, 3 में से घटा दो तो 2 बचेगा, तो 2/4, 2/4 आ गया, अब हमें पता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आंसर क्या है 1/2, 2 से कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आया, लिख लेते हैं यहाँ 1/2। अब यहाँ हमारे पास क्या है साइन 2x, ओके साइन 2x है, अब हमें यहाँ साइन आ रहा है तो इधर भी साइन आना चाहिए, इसका इसका मतलब है, तो साइन 1/2 किसके अंदर मान होता है ये वो हमें साइन से पता चलेगा, 1/2 साइन होता है 30 डिग्री, ऐसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है फिर भी मैं आपको लिए लिख रहा हूँ, देखो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 की जगह मैं क्या लिख दूँ साइन, साइन क्यों लिखा है यहाँ साइन आ रहा है, साइन 2x इक्वल टू साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री वही चीज़ साइन से साइन भाई साहब घर चले गए हट गए यहाँ से, पीछे कौन से बचे 2x इक्वल टू 30 यही बचा, लिख देते हैं देखो 2x इक्वल टू 30, 2x इक्वल टू 30 डिग्री, ये मैंने आपको पता रखा है गुणा वाला भाग में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो x इक्वल टू 30 अपॉन में 2, 2 का डिवाइड देंगे आएगा 15,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15। ओके तो x का मान कितना आ गया 15 डिग्री आ गया, x इक्वल टू 15 आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन देखो उसी तरीके से था, यहाँ को थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ x था, अब 2x दे दिया, तो 2x था तो ये गुणा वाला किस में चला गया, भाग में चला गया। क्वेश्चन 1 और 2 लगभग सिमिलर ही एक जैसे ही हैं, बस यहाँ थोड़ा बहुत चेंज होने की वजह से थोड़ा ये गुणा वाला भाग में शिफ्ट हो गया। ओके तो आपको सारणी के मान याद है, इनको इंटू किया, इसको इंटू किया, इसको माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 साइन में किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है यहाँ, साइन 30 डिग्री, साइन से साइन चले गए, 2x इक्वल टू 30, दो गुणा में तो भाग में, x इक्वल टू कितना आ गया 15 डिग्री। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, विशेष करके x का मान निकालो। ओके तो इसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसका 3 पार्ट है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा पार्ट इसका देखते क्या है। लगभग आपको इस चैप्टर नंबर 6 के अंदर सारणी है, टेबल अगर आपको लॉजिकल तरीके से मैंने जिस तरीके से आपको बताया आपको याद है, मान रखो, प्लस माइनस करो, इंटू करो, एलसीएम लो, लघुत्तम लो, आंसर आपके आ जाएगा। थोड़े बहुत आपको रूट पता होना चाहिए, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, ये मैंने आपको बेसिक में बता रखा है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। इसका तीसरा भाग क्या है, लिख देते हैं पहले क्वेश्चन, रूट 3 टू एन 2x, रूट 3 टेन 2x इक्वल टू, उसके बाद हमें दे रखा है क्वेश्चन में आगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ये साइन 30 प्लस साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, दोनों 45 डिग्री हैं, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री। उसके बाद हमारे पास आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, प्लस 2 साइन 90, प्लस 2 साइन 90 डिग्री, यही क्वेश्चन है हमारे पास। देखो अच्छा क्वेश्चन है बड़ा, इसी के अंदर वही क्वेश्चन, एक्स का मान निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, देखते हैं उसी तरीके से। ये रूट 3 का रूट 3, टेन 2x का टेन 2x, इक्वल टू का इक्वल टू। अब देखो सारणी से हमें मान यहाँ रख देने हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों होंगे सेम, दोनों एक जैसे होते हैं, ये होता है 1/√2, ये भी कितना होता है 1/√2। ओके स्टूडेंट्स, 2 का 2 साइन 90, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, साइन 0 0 डिग्री 0 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। ओके अब इसको कर लेते हैं पहले 1/2 का 1/2, इन भाई साहब को इंटू कर दो आप, 1 को 1 से किया 1, √2 बता रखा है, रूट के अंदर किसी भी संख्या की हम इंटू करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, उससे हट जाता है, तो बचेगा केवल 2, √2 कितना हो जाएगा 2, पता रखिए इस बात को आप, विशेष करके 2 1 जा 2, बच्चे यहाँ ही मिस्टेक करते हैं ज़्यादातर, 2 1 जा 2। अब देखो ये हाफ और ये हाफ, हाफ और हाफ कितने हो गए 1, तो हाफ और हाफ 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कितने हो गया 3, ये आ गया 3। ये कंसेप्ट आपको वापस लिखते जाना है यहाँ, अब मैं लिख देता हूँ रूट 3 टेन 2x, इसका प्लस किया तो कितना आ गया 3, ये आया हमारे पास। अब रूट ये देखो रूट 3 है, तो रूट 3 है तो ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो टेन 2x 3/√3 डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो इसका रेशनलाइज कर देंगे, परिमेयकरण, रेशनलाइज परिमेयकरण क्या होता है, जब भी आपके पास डिवाइड में या भाग के अंदर नीचे भाई साहब अगर रूट के अंदर आ जाए, ठीक है, उन पर कैप लगी हुई, टोपी लगी हुई है रूट के अंदर, तो इसका रेशनलाइज करते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है, इसके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं इनटू। ओके तो रूट 3 आ रहा है नीचे, तो रूट 3 के हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा इनटू कर देंगे रूट 3 से। ओके इस वजह से तो ये हो गया 3√3 और ये हो जाएगा √3√3, तो क्या आएगा 3। रूट के अंदर कभी भी इंटू करते हैं तो रूट हट जाता है, 3 से 3 चले गए,
तो लिख लेते हैं फाग, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा टेन टू एक्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं टेन टू एक्स, टेन टू एक्स इक्वल टू, यहाँ देखो रूट थ्री है तो रूट थ्री लिखा। अब आती है बात वही साइन कि यहाँ टेन आ रहा है, यहाँ भी टेन आना चाहिए, तो आप बताओ मुझे रूट थ्री के अंदर टेन कहाँ आता है, आपको साइन से पता होगा। तो टेन टू एक्स, टेन साठ डिग्री का मान कितना होता है, रूट थ्री, ये होता है। तो टेन रूट थ्री किसका मान होता है, टेन सिक्सटी डिग्री, साठ डिग्री का होता है। तो टेन से टेन भाई साहब चले गए, तो पीछे बच गए वो लिख देते हैं। अब वही टू एक्स इक्वल टू सिक्सटी, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा एक्स इक्वल टू थर्टी डिग्री, एक्स का मान कितना आ गया थर्टी, एक्स का मान आ गया तीस डिग्री आ गया, साठ में दो का भाग तीस बार, साठ के हाफ तीस। देखो क्वेश्चन उसी तरीके से था, बस आपको सारणी के मान यहाँ रखे, इनको प्लस माइनस इनटू किया, इनटू करने के बाद यहाँ एक थोड़ा नया लॉजिक क्या लगा, रूट के अंदर आ गया, तो इसका हमने परिमेयकरण कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। उसके बाद ऊपर नीचे इनटू किया, इसके इनटू रूट थ्री, रूट थ्री हमेशा थ्री होता है, थ्री से थ्री चले गए, बचा रूट थ्री, रूट थ्री किसका मान होता है टेन साठ डिग्री का, टेन से टेन कैंसिल आउट, ये टू एक्स ये इनटू वाला डिवाइड में थर्टी डिग्री, इसका वैल्यू कितना आ गया, आंसर कितना आ गया तीस डिग्री आ गया। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन अटेंड करने एग्जाम में अच्छी तरीके से। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको प्रैक्टिस इसकी ज़रूर करें। प्रैक्टिस है मैके मैन परफेक्ट, मैथ्स के अंदर आपको प्रैक्टिक्स जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा आपकी मैथ्स स्ट्रांग होगी, तो प्रैक्टिस की डेली रूटीन करें, अप टू डेट करें। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 11 के तीन भाग थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, कुछ तरीका यही है लेकिन थोड़ा सा नया क्वेश्चन है। जैसे कि इसके अंदर तो एक्स का मान पूछा था, उसमें सिद्ध करना है हमें, तो इस टाइप से क्वेश्चन है, सिद्ध करना वो भी आते हैं। मैन तो इसमें सारा सारणी पे खेल है, अगर सारणी आपको पता है तो समझ लो आपका 100% काम हो गया, बाकी प्लस माइनस तो कर ही लेते हैं यार कोई इनटू वगैरह। तो सारणी डिपेंड है, सारणी आप याद करो अच्छी तरीके से, लॉजिकल तरीके से याद हो जाएगी आपको, प्रैक्टिस है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या आ रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कह रहा है कि कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक है, 1 प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है हमारे पास, और रूट 3/2। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है प्रूव डैट, सिद्ध कीजिए, आपको प्रूव डैट मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करके आपको ये आंसर लेके आना है इसका, मतलब इसके अंदर आपको क्वेश्चन का उत्तर है, आंसर है वो दे रखा है, वो कितना है √3/2। ओके, उसके बाद देखो आप इसके अंदर साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री कॉस 60 साइन 30, इसके मान रख देंगे हम, कॉस 60 डिग्री कितना होता है साइन 60 का, तो साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2, ये हो गया √3/2 प्लस का प्लस साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा √3/2। सारणी से आपको मान याद होनी चाहिए। ओके, 1 का 1 प्लस का प्लस कॉस 60 डिग्री कितना होगा, कॉस 60 का पूछे तो साइन 30 का बताएंगे, साइन 30 कितना होता है 1/2, फिर प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 सेम होंगे, ये हो जाएगा। अब इसको कर देते हैं, देखो √3/2 √3/2 एक और एक कितने हो गए 2, तो इसको 2 टाइम लिख देता हूँ, √3/2 2 टाइम लिख दिया भाई, एक और एक कितने हो गए 2 हो गए इस तरीके से, तो 2 बार, ये देखो 1/2 हाफ हो गया, हाफ और हाफ कितना हो गया 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, हाफ और हाफ 1, ये 2 से 2 कटा तो ऊपर बचा √3, 1 कितना हो गया 2, तो नीचे क्या आया √3/2। देखो यही लाना था मैं आंसर √3/2, और इधर भी क्या आ रहा है √3/2।
टू, इसका मतलब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में, लेफ्ट हैंड साइड ली थी, दायां और बायां भाग, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हैंड साइड ली थी हमने ये वाली और लेके आ गए राइट हैंड साइड, तो ये राइट हैंड साइड आ गई रूट थ्री बाई टू। तो ये हमें सिद्ध करना था इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर। इस टाइप से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें इसमें सारणी याद होगी, बाकी प्लस माइनस करना है, एलसीएम लेना है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन अटेंड करना है। ओके, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका हम। क्वेश्चन आता है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 12 हो गया, 13 वाला क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 13 क्वेश्चन है 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, लिख देता हूँ मैं बोर्ड पे, 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री, उसके बाद आगे क्या देखा है माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, आगे क्वेश्चन में माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में कह रहा है सिद्ध कीजिए 1/4, इसका मतलब अब इसका उत्तर क्या लेके आना है, हमें 1/4 लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड 1/4, इसका उत्तर क्या लेके आना है, हमें 1/4 लेके आना है। तो मान रख देंगे 4 कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री कितना होता है सारणी से बताओ, कोस 45 डिग्री हो जाएगा हमारे पास, साइन और कोस दोनों सेम होते हैं 45 और कोस 45, तो ये हो जाएगा 1/√2, इस पर स्क्वायर है इन भाई साहब भी क्या लगा दो, स्क्वायर लगा दो, सिंपल फंडा है। सेक 60 डिग्री, सेक 60 का मान होता है 2, तो ये हो जाएगा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, मेरे हिसाब से हमने क्वेश्चन इतने किए हैं, मान रखें आप, आपको याद हो जाने चाहिए। ओके, जैसे हम इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं तो मेरे हिसाब से आपको धीरे धीरे मान की वैल्यू याद हो गई। ओके, तो इसका स्क्वायर खोल देते हैं, 4 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। ओके, √2 का स्क्वायर 2 होता है, बेसिक में मैंने बता रखा है, कुछ बच्चे भी मिस्टेक करते हैं, 1 इस दोनों का स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर होगा, √2 का भी स्क्वायर होगा, कैसे देखो ऐसे 1/√2 है, दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। केवल ऊपर वाला क्या कर दिया, नीचे वाला नहीं किया तो गलत हो जाएगा, इसलिए दोनों का स्क्वायर होगा अगर दोनों पे स्क्वायर है, तो 1/2 स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, 2 का स्क्वायर 4, इसी तरीके से 1 का स्क्वायर 1, नीचे वाले का 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ओके, आगे इसको इसी तरीके से, ये आ गया हमारे पास कोट है, क्या यहाँ कॉस किसी का कॉट है, कोट है यहाँ, ये हमने कॉस लिख दिया यहाँ क्वेश्चन के अंदर, कॉट है, अगर कॉस देता तो इस तरीके से सही होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जाम में जो आपको कॉस साइन दे वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ कॉस की जगह अगर कॉस होता तो ये क्वेश्चन हमारी इसके अकॉर्डिंग सही है, अगर यहाँ कॉट है क्वेश्चन में तो मैं आपको कॉट से बता देता हूँ, बाकी चाहे कॉस दे चाहे कॉट दे या प्लस दे माइनस दे, तो जो भी उसके अकॉर्डिंग मान रख दो, प्लस माइनस कर दो, इंटू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है, क्वेश्चन ने हमारे पास यहाँ कोट दे रहे हैं, कोट स्क्वायर 45 डिग्री, कोट स्क्वायर 45 डिग्री कितना होगा 1, कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, ये तो और ज़्यादा सरल होगा इसकी वजह से, कोट की वजह से, ये हो गया 1 का स्क्वायर कितना आया 1 आया। अब कर दो इसको सॉल्व आप, 4 माइनस का 4 माइनस 1/4, इसका मतलब यहाँ प्लस है, प्लस लगाओ। ओके, अब यहाँ देखो आप, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, पीछे क्या बचा 1/4, तो इसका जो फाइनल आंसर कितना आ गया राइट हैंड साइड 4 1/4, देखो 1/4 ये लाना था हमें क्वेश्चन में, 1/4 ये आ रहा है हमारे पास 1/4, कुछ भी नहीं किया हमने, बड़ा सरल सिंपल क्वेश्चन था, इसका मान रख दिया, इसका मान रख दिया, इसका मान रख दिया, इनका स्क्वायर किया, ठीक है, ये प्लस का 4 माइनस का 4, तो 4 में से 4 गए 0, 1/4 बचा, ये 1/4 हमारे पास आंसर आ गया।
तो आज के लेक्चर में हमने 13 क्वेश्चन तक किए। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, तो इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके।